आतंकी संगठन हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इसराइल की वायुसेना ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। इसराइल के इस बदले की कार्रवाई की कई तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। और इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने हमास के लड़ाकों को धमकी दी है कि वो कहीं भी अब छिप नहीं सकते। और उनकी इस धमकी के बाद ये माना जा रहा है कि उनके निशाने पर अब पूरा का पूरा गाजा होगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमास जिस भी जगह छिपा है और जहां से वो हमले कर रहा है उन जगहों को हम खंडहर में बदल देंगे। Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war, and when Israel wins, the entire civilized world wins. नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि वो इस युद्ध में नहीं कूदे बल्कि उन पर ये युद्ध थोपा गया। हमास ने इसराइल के लोगों के साथ बर्बरता की जिसका जवाब अब इसराइल ऐसा देगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। गाजा पट्टी वो जगह है जिस पर फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास का कब्जा है। इसराइल दावा करता है कि वहाँ हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग मिलती है जिसके बाद वो इसराइल में हमले करते हैं। यही वजह रही कि गाजा पट्टी सालों से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी जंग का मैदान बनी हुई है। लेकिन इसराइल ने ऐलान किया कि इस बार गाजा में आर पार की लड़ाई होगी क्योंकि हमास ने गाजा पट्टी को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया और इसराइल पर 5000 मिसाइलें दाग दी। क्योंकि 6 से 10 किलोमीटर चौड़े और 45 किलोमीटर लंबे इस इलाके पर हमास का कब्जा है। इसकी पूर्वी और उत्तरी दिशा में इसराइल बैठा है और पश्चिम में भूमध्य सागर है जिस पर इसराइल का कब्जा है और दक्षिण में मिस्र है। यानी गाजा पट्टी का ज्यादातर इलाका इसराइल से घिरा है जहाँ कड़ी सुरक्षा रहती है। लेकिन हमास ने सुरक्षा को तोड़ दिया और उसके लड़ाके इसराइल में घुस गए और अपने इस ऑपरेशन को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया जिसके जवाब में इसराइल ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन सोर्ड शुरू किया और गाजा शहर धमाकों से दहल उठा। यानी 1967 के बाद जो इलाका करीब 25 साल तक इसराइल के कब्जे में रहा वो इलाका वहाँ हुए सबसे बड़े हमले की वजह बना क्योंकि गाजा पट्टी पर 2007 से हमास का कब्जा है। और उसी कब्जे को खाली कराने के लिए इसराइल ने गाजा पट्टी पर धुआंधार मिसाइलें छोड़ी जिससे वहां के अस्पताल शवों से पट गए। इसराइल ने दावा किया कि उसने गाजा शहर और उसके आसपास के इलाकों में हमास के ठिकानों को टारगेट किया। लेकिन फिलिस्तीन ने दावा किया कि इसराइल की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में भी गिरी जिनसे गाजा पट्टी में कोहराम मच गया क्योंकि इसराइल की मिसाइलों ने कई हंसते खेलते घरों को उड़ा दिया और उन धमाकों में गाजा शहर में रहने वाले 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई जिनमें बच्चों की अच्छी खासी संख्या बताई गई। यही नहीं, इसराइल की ओर से रात दिन दागी जा रही मिसाइलों में सैकड़ों लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत ये हो गई कि गाजा शहर के अस्पताल शवों और घायलों से पट गए। वहां पहुंचने वाले लोगों को देखकर कलेजा मुंह को आ गया क्योंकि भले ही इसराइल ने दावा किया हो कि उसके रॉकेट हमास के 800 ठिकानों पर गिरे लेकिन गाजा शहर से आई तस्वीरों ने अलग ही हालात बयान किए क्योंकि फिलिस्तीन ने कहा कि इसराइल के रॉकेटों ने आम लोगों की जान ली।